वेलकम बैक टू आर एस एम मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी गुरुजनों को नमन वंदन एवं अभिनंदन। जनरल तौर पर एक सहसा प्रश्न आम जनमानस के मन में होता है कि शिक्षकों का वेतन ज़्यादा क्यों होता है और क्यों होना चाहिए। आइए इस संदेश के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है शिक्षकों की अहमियत, वेतन क्यों ज़्यादा होता है। पिकासो स्पेन में जन्मे एक अति प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों और अरबों रुपए में बिका करती थी। एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ी और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी हुई उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कि आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे। पिकासो हंसते हुए बोले, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिए, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं। पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगे। करीब 10 मिनट के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, ये लो, ये मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 मिनट में जल्दी से एक काम चलाओ पेंटिंग बना दी और बोल रहे हैं कि मिलियन डॉलर की पेंटिंग है। उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई। उसे लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है। वह बाजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई पेंटिंग बारहों में मिलियन डॉलर की थी। वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली, सर आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो मिलियन डॉलर की ही पेंटिंग है। पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वह महिला बोली, सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 मिनट में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मैं भी 10 मिनट में न सही 10 घंटे में ही अच्छी पेंटिंग बना सकूं। मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, ये पेंटिंग जो मैंने 10 मिनट में बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में लगा दिए हैं, तुम भी दो सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निःशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। एक अध्यापक को 40 मिनट के लेक्चर की जो तनख्वाह दी जाती है, वह इस कहानी को बयां करती है। एक अध्यापक के वाक्य के पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है। समाज समझता है कि बस बोलना ही तो होता है, अध्यापक को मुफ्त की नौकरी है। ये मत भूलिए कि आज विश्व में जितने भी सम्मानित पदों पर लोग आसीन हैं, उनमें से अधिकांश किसी न किसी अध्यापक की वजह से ही पहुंचे हैं। और हाँ, अगर आप भी अध्यापक की तनख्वाह को मुफ्त ही समझते हैं, तो एक बार 40 मिनट का प्रभावशाली और अर्थपूर्ण लेक्चर देकर दिखा दीजिए, आपको अपनी क्षमता का एहसास हो जाएगा। और ये संदेश डेडिकेटेड टू ऑल टीचर्स